Hello students, in this video we discuss connect integral sine to the power px cos to the power qx dx with sine to the power p minus 2x cos to the power qx dx. ये वाला connection करना है. ऐसे question में sine की power m, cos की power n और यहाँ भी sine cos की powers हैं. ऐसे क्वेश्चन का एक स्पेशल मेथड होता है, स्पेशल प्रोसीजर होता है. कौन से क्वेश्चन का? जिसमें साइन कॉस की पावर्स को साइन कॉस की पावर्स में कनेक्ट करना है. इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका एक रूल होता है. रूल का तो नाम भी है स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन. स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन ये रूल का नाम है. नोट्स में इसके आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा. तो उसमें थोड़े स्टेप्स होते हैं. जैसे कि स्टेप अगवाइज लिखें तो स्टेप वन ये है कि सबसे पहले तो उसमें पी अज्यूम करना पड़ता है. पी अज्यूम करता है, करते हैं कैपिटल पी साइन की पावर लेमडा प्लस वन. इसीलिए कहते हैं स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन. एक्स कॉस की पावर म्यू प्लस वन, स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन. अब लेमडा म्यू क्या है? स्मॉलर इंडेक्स है. वो कैसे? लेमडा इज स्मॉलर ऑफ टू पावर्स ऑफ साइन एक्स. इट इज मिनिमम ऑफ, ध्यान से देखना, ये वाली पावर. साइन की पावर लेनी है, साइन की पावर लेनी है पी कॉमा. उधर भी जिन इंटीग्रल्स को कनेक्ट होना है उनमें साइन की दोनों पावर्स उठा लो पी माइनस टू. इनमें से जो लेस हो, जैसे पी और पी माइनस टू में पी माइनस टू लेस है, तो जो लेस पावर है उसको लेमडा अज्यूम करना है. तो यहाँ पर लेमडा हुआ पी माइनस टू. म्यू देखिए कितना है. म्यू इज स्मॉलर ऑफ टू पावर्स ऑफ कॉस एक्स. तो कॉस एक्स की जो टू पावर्स हैं, एक पावर क्यों और दूसरी पावर भी क्यों, तो दोनों में कम कौन सी? ना कोई कम ना कोई ज़्यादा है, तो कोई भी एक सेलेक्ट कर ली क्यों. वैसे लेस वाली सेलेक्ट की जाती है, तभी इसको कहते हैं स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन. और इस तरह आपने पी डिफाइन कर लिया. पी की वैल्यू आ गई साइन की पावर लेमडा प्लस वन. लेमडा कितना? पी माइनस टू. पी माइनस टू प्लस वन एक्स. और कॉस की पावर आ गई म्यू प्लस वन, क्यों प्लस वन एक्स. और इस तरह से साइन की पावर हो गई पी माइनस टू प्लस वन, का मतलब पी माइनस वन एक्स हो गई. और कॉस की पावर हो गई क्यों प्लस वन एक्स. इस तरह आपका कैपिटल पी रेडी हो गया. सेकंड स्टेप में इस कैपिटल पी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी पी बाय डी एक्स निकाला जाए. प्रोडक्ट रूल लगेगा. इसका डेरिवेटिव हुआ पी माइनस वन साइन की पावर पी माइनस टू एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट हो गया, इंटू सेकेंड कॉपी कर लो क्यों प्लस वन एक्स. फिर प्लस फर्स्ट को कॉपी कर दीजिए और सेकेंड को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए क्यों प्लस वन. कॉस की पावर क्यों एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ कॉस एक्स विच इज माइनस साइन एक्स. माइनस साइन एक्स थोड़ा कम दिखता, मैं इधर कर देता हूँ तो दिखाई पड़ने लग गया. डी पी बाय डी एक्स आपने तैयार कर लिया. अभी क्या करना है? डी पी बाय डी एक्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है. पी माइनस वन साइन की पावर पी माइनस टू एक्स कॉस की पावर क्यों प्लस वन और प्लस वन क्यों प्लस टू एक्स. फिर प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस. साइन की पावर हो गई पी माइनस वन और प्लस वन, तो साइन की पावर हो गई पी एक्स.
और ये क्यों प्लस वन यहाँ पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम लिख दूंगा क्यों। एज ए रिजल्ट यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। साइन की पावर्स कलेक्ट कर ली, क्यों प्लस वन कलेक्ट हो गया, कॉस की पावर क्यों एक्स हो गया ये। ठीक है, अब क्या करना, जो ये डी पी बाय डी एक्स आ गया इसे दोनों इंटीग्रल्स में एक्सप्रेस करना है। जो यहाँ पे आ जाओ, जिन दो को आपने कनेक्ट करना है आपने इसे उन्हीं के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मतलब ये जो अभी अभी आ गया इसके अंदर आपको या तो ये नज़र आना चाहिए साइन की पावर पी कॉस की पावर क्यों, या फिर ये नज़र आना चाहिए, कोई तीसरी चीज़ इसमें नज़र ना आए, उसके लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अगर हम इस फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट में पी माइनस वन साइन की पावर पी माइनस टू एक्स, तो फर्स्ट को देख रहे हैं तो क्या है, साइन की पावर पी माइनस टू को चेंज नहीं करना, क्योंकि हमें जो इंटीग्रल्स हमारे सामने है वहाँ पर पावर पी माइनस टू दिख रही है, जो वहाँ पे पावर्स अवेलेबल है उनको चेंज नहीं करना। कॉस की पावर क्यों प्लस टू आपको नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस की पावर क्यों ना तो इधर क्यों प्लस टू ना तो इधर दिख रही ना उधर दिख रही है, इसलिए इस क्यों इसको चेंज करना है, कॉस की पावर क्यों एक्स अलग करना है और कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर देना है। ठीक है, माइनस क्यों प्लस वन ये रहा, और बचा यहाँ पे बचा साइन की पावर पी कॉस टू द पावर क्यों, जो कि फर्स्ट इंटीग्रल में दिख रहा, इसलिए इसे टच नहीं करना, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, आपको इसमें कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, अब अगला स्टेप, ये जो आपने चेंज किया इसको थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसे चेंज करके वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया जाए, माइनस क्यों प्लस वन ओके है, साइन की पावर पी इंटू कॉस की पावर क्यों एक्स, ये आपका डी पी बाय डी एक्स तैयार है। ठीक है, अब आप क्या करें कि मल्टीप्लाई करना है पी माइनस वन इंटू दिस इंटू वन हुआ साइन की पावर पी माइनस टू एक्स कॉस की पावर क्यों एक्स माइनस, अब करोगे दिस इंटू साइन स्क्वायर, तो पी माइनस टू प्लस टू साइन की पावर पी आ गया और कॉस की पावर क्यों एक्स हमने कॉपी कर दिया माइनस, इसमें कोई काम नहीं करना, क्यों प्लस वन साइन की पावर पी कॉस की पावर क्यों, क्योंकि ये ए वन ऑफ द इंटीग्रांड्स में इन्वॉल्व है, इसलिए सो वी कैन राइट नेक्स्ट स्टेप एज फॉलोज, पी माइनस वन साइन टू द पावर पी माइनस टू एक्स कॉस टू द पावर क्यों एक्स माइनस, ये पी माइनस वन इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, पी माइनस वन साइन की पावर पी एक्स कॉस की पावर क्यों एक्स माइनस, ये एज इट इज कॉपी होगा अगला टर्म, क्यों प्लस वन कॉपिंग वर्क बहुत है, हमें तो स्टेप समझाने पड़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है भाई। दिस इज इक्वल टू पी माइनस वन साइन टू द पावर, ये कॉपी वर्क ये लीजिए कर दिया माइनस कॉस की पावर क्यों, ये एक्स थोड़ा गलत जगह पर लेके आया, इन दोनों में कॉमन ले लो साइन की पावर पी और कॉस की पावर क्यों एक्स ना कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में रह गया पी माइनस वन फ्रॉम हियर प्लस क्यों प्लस वन फ्रॉम हियर, वन से वन कट गया, ये डी पी बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू इस तरह से आ गई कि आपके दोनों इंटीग्रांट्स इसमें दिख रहे हैं, क्वेश्चन के इंटीग्रांट्स, क्वेश्चन के इंटीग्रांट्स आपको याद होंगे ना याद हो देखो दिखाता हूँ, ये इंटीग्रांट्स हैं क्वेश्चन के, पावर पी क्यों है और पी माइनस टू क्यों है,
वही इसमें यहाँ अब दिख रहे हैं पी माइनस टू क्यू और पावर्स पी क्यू, इसीलिए वो ट्रिग्नोमेट्री बीच में लगाई कि इंटीग्रांट्स में ये कन्वर्ट हो जाए। अब अगला स्टेप है थर्ड स्टेप, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इसकी दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें। दोनों साइड्स को तो ये तो पी आ जाएगा, राइट साइड बन गई पी माइनस वन इंटीग्रल साइन की पावर पी माइनस टू एक्स कॉस की पावर क्यू एक्स डी एक्स माइनस, ये पी प्लस क्यों कॉपी किया और इंटीग्रल में आ गया साइन टू द पावर पी कॉस टू द पावर क्यों। कैपिटल पी जो आपने अज्यूम किया था पी की वैल्यू को अब रिपीट कर दिया जाए, पी की वैल्यू थी दिखानी पड़ेगी, पी की वैल्यू थी साइन की पावर पी माइनस वन कॉस की पावर क्यू प्लस वन, पी की उस वैल्यू को यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, साइन की पावर पी माइनस वन एक्स कॉस की पावर क्यू प्लस वन एक्स, और राइट साइड पी माइनस वन, इसे आप चाहें तो आई पी माइनस टू कॉमा क्यों भी बोल सकते हैं, ना चाहे तो फुल लिखो कोई बात नहीं, पी प्लस क्यों, और इसे फिर आई पी क्यों बोला जाएगा, और नहीं बोलना तो पूरा लिखे जाओ फिर क्या, तो इसे लेफ्ट में शिफ्ट कर दो इसे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पी प्लस क्यों आई पी क्यों, पॉजिटिव हो गया, और ये चीज पी माइनस वन आई पी माइनस टू कॉमा क्यों, इसे राइट साइड में शिफ्ट कर दो, माइनस साइन पी माइनस वन एक्स कॉस टू द पावर क्यों प्लस वन एक्स। अब इस पी प्लस क्यों का डिवीजन कर दें, आई पी कॉमा क्यों इज इक्वल टू पी माइनस वन बाय पी प्लस क्यों आई पी माइनस टू कॉमा क्यों माइनस, यहाँ पे भी डिवीजन लगा दो, साइन की पावर पी माइनस वन एक्स कॉस की पावर क्यों प्लस वन एक्स बाय पी प्लस क्यों, और ये आपका रिडक्शन फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, उस टर्म को इधर और इस टर्म को उधर लिख सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से हमने रूल फॉर स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन सिखाया, और इसका नोट्स का कॉपी आपको दिखा देता हूँ, नोट्स की कॉपी इसकी ये है, इसका करस्पॉन्डिंग नोट्स यहाँ पर है, आप इससे कॉपी कर सकते हैं, मैंने पास में कर दिया जो अच्छा दिखाई पड़े, ठीक से सेट कर दिया, देखो तो धीरे से मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ये तो रूल लिखा हुआ है इस जगह पर, जो रूल हमने अप्लाई किया वो रूल लिखा हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 17 हमने अभी सॉल्व करके दिया आपको, अपनी तरह से सॉल्व करके दिया, इसमें थोड़ा बहुत एरर भी हो सकता है, प्रिंटिंग एरर टाइपिंग एरर, वो अपना देख लेना, चाहिए तो लिख लेना, नहीं तो इसका ज़रूरत नहीं, हमने करके तो दिया। तो ये स्टेप वाइज इसमें लिखा हुआ, ये देखिए थोड़े बहुत एरर के साथ होगा, एरर अपना एडजस्ट करिए। अब इसका सेकंड पार्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट इधर का, ये देखिए ये कॉलम टू है, वो कॉलम वन था, इसी में एक और क्वेश्चन नंबर 18 भी है, ये क्वेश्चन नंबर 18 आप जरूर होमवर्क करिए, प्रैक्टिस करिए, यहाँ से देखना बहुत साफ दिख रहा है, तो आप जरूर इसको करिए, प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा होगा, डाउट हो फिर मुझे पूछोगे, बताऊंगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ करते हैं, ये रोक लेना वीडियो जहाँ तहाँ पे रोक लेना, तो आपको पूरा अच्छी तरह नज़र आएगा। ठीक है, ये एट ए टाइम भी, ये देखो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन 18 स्टार्ट हुआ, इतना पार्ट अभी दिख रहा है, यहाँ पे रोक सकते हो, उसके बाद यहाँ के बाद फिर सेकेंड पार्ट आपको दिखाता हूँ, वो ये लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद लास्ट पीस देख सकते हो, वो यहाँ पर है, बस यहीं पर फिनिश हो गया, और भी इस तरह के कनेक्ट करने वाले क्वेश्चन एक दो और करके दूंगा है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।